बीते रोज गुरुवार को उदयपुर पहुंचे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के साथ जहां एक और बीजेपी नेताओं में जबरदस्त रोष व्याप्त थे, तो वहीं गहलोत सरकार में पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने डॉक्टर मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का सूर्य अब अस्त हो चुका है, उनके पास धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। गुरुवार को करौली कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री रमेश मीणा ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आखिर क्या है पूरा मामला और रमेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दे, कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर हमला बोला। हाल ही में भिलवाड़ा में हुई हिंसा के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से बयान दिया था कि पीएफआई के गुंडों को गहलोत सरकार ने संरक्षण दे रखा है। इस मामले में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा खुद एक अपराधी है और उनके खिलाफ भी 5 केस दर्ज है। रमेश मीणा ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में तुरंत निर्णय होता है, हमारे एक विधायक ने सरेंडर भी किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर 5 आपराधिक मामले प्रमाणित है, किरोड़ी मीणा को भी सरेंडर करना चाहिए, वह खुद अपराधी है और दूसरों के खिलाफ बात करते हैं जो ठीक नहीं है। यही नहीं, बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा हमला जारी रखते हुए गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि वह किरोड़ी लाल मीणा के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का सूर्य अस्त हो चुका है, राजनीति खत्म हो चुकी है और अब वे थाने तहसील के सामने धरना देते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसके साथ ही हाल ही में कांग्रेस विधायक दिव्या मदीना द्वारा मंत्री महेश जोशी और विधायक मलिंगा के मामले में डीजीपी पर साधे गए निशाने के मामले में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी सही तथ्य होगा वह सामने आ जाएगा। को बता दे, इससे पहले पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये अधिकारी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें कार्यों में अनियमितता बरतने वाले और लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई और बजट घोषणाओं पर चर्चा की गई। किसी योजना में अगर समस्या आ रही है तो उसका समाधान करवाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी योजना अधूरी पड़ी है उसको पूरा कराया जाए, आमजन की समस्याओं का समाधान भी समय पर हो जाए। वहीं मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि जिले के मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बैठक में मौजूद रहे, उनसे समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है और साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पारदर्शिता के साथ काम किया जाए, भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाई जाए, करौली जिले में ज्यादा से ज्यादा विकास हो इस पर फोकस रहेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।